संडे स्टोरी गोवा से। डॉक्टर रॉबर्ट सर्फोलियो वर्ल्ड के बेस्ट रोबोटिक थोरैसिक सर्जन एक बार गंगाराम हॉस्पिटल में वर्कशॉप करने आए और जब ऑपरेशन खत्म हो गया, बहुत अच्छा ऑपरेशन किया उन्होंने, तो चेंजिंग रूम में जब मैं पहुंचा तो इतनी देर में जो चेंजिंग रूम में बाकी जो सर्जन अपने कपड़े नीचे उतार के फेंक के चले गए थे, डॉक्टर रॉबर्ट सर्फोलियो ने एकदम उठाने शुरू कर दिए और उनको सबको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो मैंने बोला, डॉक्टर सर्फोलियो प्लीज डोंट डू दिस, गॉड बॉय इज कमिंग और वो करेगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत सी हो गई है मेटिकुलसनेस की, मुझे आदत सी हो गई है परफॉर्म अंडर प्रेशर। और जब मैं उनको ऑडिटोरियम में साथ लेके जा रहा था तो उन्होंने बोला कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, और उसमें मैं जो थोरैसिक रोबोटिक काम करता हूँ उसका प्रेशर, मेरी वाइफ जो कैंसर ब्रेस्ट से स्ट्रगल कर रही थी, ऑपरेट हो रही थी नेक्स्ट थिएटर में, उसका प्रेशर, और मेरे तीनों बेटे जवान हो चुके हैं और वो बेसबॉल चैंपियनशिप की तरफ जा रहे हैं, उसका प्रेशर। तो इन तीनों को लेकर मैंने उस किताब में ये लिखा कि हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो ये जैसे ही किताब पूरी होगी तो मैं आपको भेजूंगा। तब मुझे ख्याल आया जॉन मैकिनरो की स्टोरी का। जॉन मैकिनरो जब मैच जीतने वाले थे, मगर चार घंटे जब मैच चलता रहा, पांचों सेट ब्रायन बोर्ग ने जीत लिए और अगले ही गेम में जॉन मैकिनरो ने ब्रायन बोर्ग को हरा दिया। मगर ब्रायन बोर्ग बोले कि ये मेरा आखिरी मैच था, अब इसके बाद मैं नहीं खेलूंगा बिकॉज मैं प्रेशर के अंडर नहीं परफॉर्म कर सकता। और इन्होंने, जॉन मैकिनरो ने समझाया भी सही कि पोजीशन वन और ये पोजीशन टू में क्या फर्क पड़ता है, कभी आप ऊपर कभी मैं नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से तो गेम है ये ना। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे से परफॉर्मेंस प्रेशर की नहीं हो पाती। तब जॉन मैकिनरो ने उनको बोला कि बिली जिन किंग भी कहती हैं, प्रेशर इज ए प्रिविलेज, अगर प्रेशर होता है तो मैं अपनी अच्छी गेम दे पाती हूँ। तो ब्रायन बोर्ग को जॉन मैकिनरो ने बाद में भी इंसाइट किया कि तुम मेरे साथ मैच खेला करो, क्योंकि जब तुम होते हो, तुम अपना बेस्ट देते हो, तो मैं भी अपना बेस्ट देता हूँ, तो गेम कहीं से कहीं पहुँच जाती है। मगर ब्रायन बोर्ग ने दोबारा से चैंपियनशिप नहीं। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि प्रेशर तो हम सबको होगा ही, चाहे वो हमें अपने काम में हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हमारे बच्चों का हो, चाहे हमारी गेम का हो, मगर हमें ये सीखना है कि परफॉर्म अंडर प्रेशर। और एक बार अगर हम ये सोच लेंगे कि प्रेशर इज ए प्रिविलेज, तो गेम बिल्कुल बदल जाएगी। प्रेशर इज ए प्रिविलेज, अगर हमारे दुश्मन भी अगर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, अगर हम उनको भी प्रिविलेज समझेंगे कि तुम्हारी वजह से ही तो मैं आज तरक्की कर पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही तो मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज मैं दोबारा से आपको एक ही चीज़ कहूँगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।